नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में बेगूसराय सीट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेगूसराय सीट पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं बीजेपी से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे बेगूसराय के बारे में कौन बनेगा यहाँ से 2019 में सांसद। गंगा के पूर्वी किनारे पर स्थित उत्तर बिहार के बेगूसराय को बिहार के लेनिनग्राद व लिटिल मास्को जैसे नामों से भी जाना जाता है। और एक बार फिर से यह देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपने फायरब्रांड नेता कन्हैया कुमार को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपने शीर्ष भूमिहार नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उनके खिलाफ टिकट दिया है। इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल राजद व महागठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन के तरफ से। अब बात करते हैं हम कि कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह दोनों ही भूमिहार कास्ट से हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल वो महागठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मुकाबले को तिनकोनीय बना दिया है। हसन ने साथ ही भाजपा विरोधी वोटों को हासिल करने के कन्हैया के मौके पर भी पानी फेर दिया है। हसन के मैदान में उतरने से भाजपा विरोधी वोट राजद और भाकपा के बीच बट सकते हैं। कन्हैया कुमार को सबसे ज्यादा इसी बात का नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी बीजेपी विरोधी वोटों के विभाजन का। गिरिराज सिंह नवादा से चुनाव लड़ने की जिद कर रहे थे, लेकिन राजद सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे में यह सीट लोजपा के खेमे में जाने से उन्हें बेगूसराय से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2014 में भाजपा के भोला सिंह ने तनवीर हसन को 58,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त देकर सीट पर कब्जा जमाया था। भोला सिंह पूर्व भाजपा नेता थे जो भाजपा में शामिल हो गए थे। 34.31% वोट हिस्सेदारी के साथ हसन को करीब 3,70,000 वोट मिले थे, जबकि भोला सिंह को 39.72% हिस्सेदारी के साथ 4,28,000 वोट हासिल हुए थे। भाजपा के राजेंद्र प्रसाद सिंह को 17.87% वोटों के साथ करीब 2,00,000 वोट मिले थे। अनुमान के मुताबिक बेगूसराय के 19,00,000 मतदाताओं में भूमिहार मतदाता करीब 19%, 15% मुस्लिम, 12% यादव और 7% कुर्मी है। भूमिहार वोट यहाँ की मुख्य कड़ी है, और इस बात का सबूत है कि पिछले 16 लोकसभा चुनावों में कम से कम 11 में से 9 बार भूमिहार सांसद बने हैं। 2019 के अंतिम परिसीमन से पहले बेगूसराय जिले में 2 संसदीय सीटें बेगूसराय और बलिया सीट थी, तब उन दोनों को मिलाकर बेगूसराय कर दिया गया और बलिया सीट खत्म हो गई। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 बलिया में आती है। गिरिराज और कन्हैया दोनों ही भूमिहार हैं, और अब देखना यह होगा कि कौन अपनी जीत दर्ज करता है। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव के 4th चरण में मतदान होना है, जो कि 29 अप्रैल को होगा। नतीजों की घोषणा 23 मई को की जाएगी। वहीं कन्हैया कुमार के प्रचार में बॉलीवुड के भी बहुत सारे स्टार आने वाले हैं, ऐसी चर्चा की जा रही है और खबरें चल रही है। वहीं कन्हैया कुमार के प्रचार में गुजरात से भी उनके साथ ही जिग्नेश मिवानी आए हुए हैं और काफी समय से यहाँ प्रचार में लगे हुए हैं, और भी बाहर से बहुत सारे लोग और भाकपा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आकर के उनके प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं दोनों अपने अपने पार्टी के प्रबल नेता माने जाते हैं और फायर ब्रांड नेता है। गिरिराज सिंह बीजेपी से हैं और कन्हैया अपने पार्टी से। दोनों ही अपने पार्टी में आक्रामक रुख रखने वाले नेता हैं और दोनों ही एक कास्ट से है। ऐसे में इस सीट पर पूरे देश की निगाह है कि कौन आखिर बनेगा यहाँ से सांसद और कौन जीतेगा 2019 का चुनाव। बेगूसराय किसे फिर से अपना नेता मानेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।